नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आज बातें कृष्ण पर केंद्रित। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्री कृष्ण ने धरती पर आकर जो संदेश दिए, मेरी कामना है कि हम सब उस संदेश को मानते रहें और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहें। सूर्यदास जी की रचना है आज नंद के द्वारे भीर। ये रचना आप सभी को सुना रहा हूँ। आज नंद के द्वारे भीर, आज नंद के द्वारे भीर, एक आवत एक जात विदा है, एक आवत एक जात विदा है, एक ठाढ़े मंदिर के तीर, आज नंद के द्वारे भीर। को केसरी को तिलक लगावत, को केसरी को तिलक लगावत, क्यों पहिरावत कंचुकी शरीर, आज नंद के द्वारे भीर। एकनि को गोदान समर्पित, एकनि को गोदान समर्पित, एकनि को पहिरावत चीर, एकनि को पहिरावत चीर, आज नंद के द्वारे भीर, आज नंद के द्वारे भीर। एकनि को भूषण पाटंबर, एकनि को भूषण पाटंबर, एकनि को दू देत नगहीर, एकनि को देत नगहीर, एकनि को पहुपान की माला, एकनि को पहुपान की माला, एकनि को चंदन घसीनीर, एकनि को चंदन घसीनीर, आज नंद के द्वारे भीर, आज नंद के द्वारे भीर। एकनि माथे दूब रोचना, एकनि माथे दूब रोचना, एकनि को बौधत दय धीर, सूर्यदास धनश्याम स्नेही, धन्य यशोदा पुण्य शरीर, धन्य यशोदा पुण्य शरीर। इन पंक्तियों में सूर्यदास जी बता रहे हैं कि आज नंद जी के द्वारे पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत भीड़ हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और उनके दर्शन के लिए गोकुलवासी उमड़ पड़े हैं। कोई गोपिका आकर केसर का तिलक लगा रही है, कोई चंदन लगा रहा है, कोई गोदान कर रहा है, कोई वस्त्र पहना रहा है, कोई हीरे का दान कर रहा है, कोई धन का दान कर रहा है, कोई चंदन लगा रहा है घिसकर, कोई दुर्वा, कोई गोरोचन, जिसके पास जैसा सामर्थ्य है वो श्री कृष्ण की उपासना में, उनके दर्शन में, उनकी पूजा में कर रहा है। सूर्यदास जी कहते हैं कि गोप और गोपी धन्य हैं और पवित्र है यशोदा का वो शरीर जिससे श्री कृष्ण जन्म लेते हैं।